ये उन दिनों की बात है जब कानपुर के डिलवल गांव में राम प्यारे हलवाई का बड़ा नाम हुआ करता था। राम प्यारे सिर्फ अपने व्यंजनों के स्वाद के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि लोग उसे इसलिए भी जानते थे क्योंकि राम प्यारे कभी भी अपनी दुकान से किसी को भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देता था, फिर चाहे वो उसका खुद का रिश्तेदार हो या फिर कोई भूख से बेहाल भिखारी ही क्यों ना हो। गांव में किसी ने भी राम प्यारे को कभी दान पुण्य करते नहीं देखा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग राम प्यारे की दुकान पर आए और उससे बोले, कैसे हो बेटा, राम जी भला करें, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, हैं? राम राम ताऊ, गरम गरम समोसे और जलेबी हैं, बस अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं। बताओ कितने की प्लेट लगवा दूं? यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? अरे नहीं नहीं, वैसे नाश्ता तो करके निकला था घर से, पर समोसे जलेबी की खुशबू खींच लाई तुम्हारे पास है। ऐसा करो, एक समोसा और एक ही जलेबी खिला दो। बटुआ तो मैं लाया नहीं बेटा, वरना बच्चों के लिए भी ले जाता। बटुआ नहीं लाए तो पैसे कैसे दोगे ताऊ? अरे तभी तो कह रहा हूँ बेटा, बस चखने भर को दे दो, उसके भी पैसे लोगे क्या? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? अरे शर्म क्यों आएगी, दुकान है मेरी, मुफ्त की चीजें खिलाऊंगा तो कमाऊंगा क्या? अरे इतनी तरक्की कर रहे हो बेटा, हैं? थोड़ा दिल से भी बड़े बनो प्यारे, हैं? दान काज तो तुम करते नहीं, थोड़ा ऐसे ही पुण्य कमा लो। मेरी चिंता मत करो ताऊ, जाओ घर जाओ, समोसा जलेबी का स्वाद चाहिए तो घर से बटुआ लेकर आओ, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। हाँ, और हाँ एक बात और, मैं माल अच्छा बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ तो मेरी दुकान में ग्राहक आते हैं। हाँ, राम खिलावन वहां से चला जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी, राम प्यारे ने कभी किसी को भी मुफ्त में अपनी दुकान से कुछ नहीं दिया था। गांव में सबसे बड़ा मकान राम प्यारे का ही था, दुकान की बढ़िया चलती थी, घर में सीधी साधी पत्नी प्रेमलता और दो बेटे रवि और किशन थे। दोनों बेटे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। राम प्यारे को मुफ्त में कुछ खिलाना भले ही पसंद ना हो, लेकिन वो कंजूस भी नहीं था, उसके घर में किसी को कोई कमी नहीं थी, बेटों की पढ़ाई के लिए भी वो खर्च से बचता नहीं था। उसका मानना था कि हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। दूसरी तरफ गांव के बाहर एक धर्मशाला चलती थी, जहां गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था, और तो और गांव का या बाहर का भी कोई राहगीर वहां भूखा पहुंच जाए तो उसे मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। धर्मशाला में तीन लोग रहते थे, दो खाना बनाने वाले कारीगर और एक धर्मशाला का संचालक किशोरी लाल। सब किशोरी लाल को बहुत दुआएं देते थे। उन दिनों राम प्यारे के दोनों बेटे कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। शाम को घूमने निकले तो कुछ देर पीपल के बड़े से पेड़ की छांव में बैठ गए। पेड़ के दूसरी तरफ गांव के ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें रवि और किशन के वहां होने की भनक तक नहीं थी। और सुनाओ प्रताप भैया, खाना वाना हो गया? हाँ भैया, आज किशोरी लाल के यहाँ ही खा लिया था, मानना पड़ेगा बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने देखा दिन भर गरीबों की लाइन लगी रहती है धर्मशाला के बाहर, पर कोई भूखा नहीं जाता। हाँ भैया, बड़ा ही भला आदमी है किशोरी लाल, लगता है शहर में ही कुछ बड़ा काम होगा उसका, तभी तो इतना दान पुण्य कर लेता है। और एक ये है अपना राम प्यारे, धन्ना सेठ हुआ जा रहा है, और मजाल है जो कभी बिना पैसे के एक दाना भी खिला दे किसी को, लगता है भगवान का भी डर नहीं है उसे। बड़ा कंजूस है, वो तो स्वाद है उसके हाथ में, तभी जाते हैं सब उसकी दुकान पर, वरना तो किसी से मेल जोल नहीं है उसका। सही कहते हो भैया,
पर चलो हटाओ, क्या बात करनी ये सब, चलो अब अपने घर चले हैं, भगवान उसे सद्बुद्धि दे भैया। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रवि और किशन उन दोनों की बातें सुनकर उदास हो जाते हैं। वो घर आकर अपनी माँ से बात करते हैं। माँ हम आ गए, पिताजी कहाँ हैं? उनसे कुछ बात करनी थी। वो तो दुकान पर ही होंगे बेटा, थोड़ी देर में आते होंगे। क्या बात है मुझे बताओ, पैसे चाहिए थे क्या? नहीं माँ, पैसे नहीं चाहिए। उन्हें बताना था कि गांव में कैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। लोग कंजूस कहते हैं उन्हें, हम सब सुनकर आ रहे हैं। पिताजी को थोड़ा दान पुण्य का काम भी करना चाहिए माँ। भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया है तो फिर परेशानी क्या है? हाँ बेटा, बात तो सही है। मैं तो थक गई हूँ उन्हें समझाते समझाते, मेरी एक नहीं सुनते। इतने में राम प्यारे घर वापस आ जाता है और सबकी बातें सुनकर नाराज हो जाता है। प्रेम लता को बीच में ही रोक कर कहता है, हाँ और सुनूंगा भी नहीं तुम्हारी कोई फालतू बात। हाँ तुम लोगों को कोई कमी नहीं होने देता हूँ मैं। होने देता हूँ क्या? फिर क्यों सब एक ही बात को लेकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अरे एक नहीं हजार दफा बता दिया कि मुझसे नहीं होगा ये दिखावा भाई। ये दिखावा नहीं है पिताजी, भगवान ने जब इतना कुछ दिया है तो हमें भी कुछ लोगों का भला करना चाहिए। मैं तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे सिखाओगे तुम? इतना कहकर राम प्यारे अपने कमरे में चला जाता है। रवि और किशन भी हार मान लेते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेमलता भी घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता गया। राम प्यारे के पीठ पीछे भले ही लोग उसकी बुराई करें, लेकिन उसकी दुकान के पकवानों का स्वाद उन्हें वहां खींच ही लाता था। अच्छी बात ये थी कि राम प्यारे और किशोरीलाल दोनों को ही एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों अपना काम पूरे मन से कर रहे थे, लेकिन वक्त की करवट अभी बाकी थी। एक दिन अपनी दुकान जाते हुए रास्ते में राम प्यारे ने देखा, एक गरीब औरत अपने बच्चे को गोद में लिए लोगों से भीख मांग रही थी। उस औरत के एक पैर में कुछ खराबी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सामने से तेज रफ्तार एक ट्रक सीधे उसकी तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक ड्राइवर का संतुलन खो गया हो, वो ट्रक को काबू नहीं कर पा रहा था। राम प्यारे तुरंत उस औरत की तरफ भागा, उसने बच्चे और औरत को दूसरी तरफ धक्का दिया और खुद ट्रक के नीचे आ गया। वो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। राम प्यारे खून से लथपथ बेसुध सड़क पर पड़ा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे पहचान लिया, उसे अस्पताल लेकर गए और उसके घर भी खबर कर दी। प्रेमलता, रवि और किशन बदहवास से अस्पताल पहुंचे और जब राम प्यारे का हाल पूछा तो डॉक्टर ने बताया, देखिए बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था, हालत नाजुक है, आप उनसे मिल लीजिए, आगे का कुछ पता नहीं। राम प्यारे के परिवार के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। राम प्यारे उन्हें सिर्फ देख सकता था, कुछ बोल पाना तो बहुत दूर की बात थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था। अपने परिवार को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर उसकी सांसों ने उसका साथ नहीं दिया, वो जा चुका था। प्रेमलता के लिए ये बहुत बड़ा दुख था, वो फूट फूट कर रोने लगी। बड़े बेटे रवि ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर राम प्यारे की दुकान को संभाला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो राम प्यारे किसी को मुफ्त में एक दाना भी नहीं देता था, उसने एक गरीब औरत को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। रवि ने दुकान संभालते हुए महसूस किया कि राम प्यारे अपनी दुकान बहुत अच्छे से चलाता था। उसके यहाँ काम करने वाले कारीगरों की पगार अच्छी थी, वो अपने यहाँ काम करने वालों का बहुत ख्याल रखता था। फिर भी दान पुण्य से क्यों बचता था, ये अब भी एक पहेली ही थी। एक दिन राम खिलावन ताऊ फिर से राम प्यारे की दुकान पर आए और रवि से बोले,
कैसे हो रवि बेटा? जी दादा, मैं ठीक हूँ। बस पिताजी के काम को उन्हीं की तरह निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है बेटा, पर राम प्यारे ने जो गलती की वो तुम मत करना। तुम खूब दान करना, गरीबों की सेवा करोगे तो उनकी दुआएं हर बुराई से बचाएंगी बेटा। इसी बात से याद आया कि ये किशोरी लाल कई दिनों से नहीं दिखा। आज सोचा कि उसकी धर्मशाला में जाकर पेट भर लूं, पर वहां जाकर पता चला कि अब तो धर्मशाला ही बंद हो गई। न जाने क्या हुआ होगा। रवि को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई। उसने गांव के लोगों से किशोरी लाल के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो इस गांव का रहने वाला नहीं था, कुछ साल पहले ही आया था। फिर अचानक धर्मशाला खोलकर लोगों को मुफ्त खाना खिलाने लगा। एक दिन रवि दुकान के हिसाब किताब की डायरी देख रहा था। उस डायरी में किशोरी लाल का फोन नंबर देखकर वो चौंक गया। फोन नंबर के अलावा उस डायरी में कुछ पैसों के लेन देन का हिसाब भी लिखा था। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसने बिना देर किए वो नंबर डायल किया। फोन किशोरी लाल ने ही उठाया। हेलो किशोरी लाल जी, मैं राम प्यारे जी का बेटा रवि बोल रहा हूँ जी। मैंने दुकान की डायरी में आपका नंबर देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पिताजी आपको हर महीने पैसे क्यों देते थे? हाँ बेटा, वो मुझे पैसे देते थे क्योंकि मैं उन्हीं के लिए तो काम करता था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो धर्मशाला मैं नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी ही चलाते थे। मैं तो उनके लिए नौकरी करता था बेटा, और धर्मशाला का काम संभालता था। खाना बनाने वाले कारीगरों और मेरी तनख्वाह से लेकर खाने के सामान का सारा खर्च तुम्हारे पिताजी ही मुझे हर महीने भेजा करते थे। तो फिर पिताजी ने मुझे या किसी और को कुछ भी क्यों नहीं बताया? मैंने भी ये सवाल उनसे कई बार पूछा था। वो बस यही कहते थे कि मैं दान धर्म का दिखावा नहीं करना चाहता, लेकिन गरीबों की सेवा भी करना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने गांव के बाहर धर्मशाला खोली और कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने मुझे भी ये बात सबसे छिपा कर रखने को कहा था। ये सच्चाई जानकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने छोटे भाई और माँ को सारी बात बताई और ये तय कर लिया कि अब वो अपने पिता के नेक काम को जारी रखेगा। उसने अपने पिता के नाम से धर्मशाला फिर से खुलवाई। अब गांव में भी सब जान गए थे कि राम प्यारे जैसा दिखता था उससे काफी अलग था। वो मेहनती था और गरीबों की मदद भी करता था, वो भी बिना कोई ढिंढोरा पीटे। इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर मुख्य चौराहे पर राम प्यारे की मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति के हाथों में खाने की थाली थी जो राम प्यारे की सबसे बड़ी ताकत थी। उसके हाथों में स्वाद भी था और गरीबों का पेट भरने का हौसला भी।